जो कि मुझे याद आ रहा है कि जब हम बचपन में चोर सिपाही खेलते थे, हमें पता करना पड़ता था कि कौन है चोर, उसी को उन्होंने गेम में ला दिया है कि कौन है इम्पोस्टर। वैसे मैं अभी तक दो दफ़ा गेम खेल चुका हूँ, और पबजी में एक दफ़ा खेल चुका हूँ, और कॉल ऑफ ड्यूटी में बहुत दफ़ा खेल चुका हूँ। इसकी वजह यह है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में ज़्यादा पसंद है, और अमंग अस का आइडिया तो अच्छा है लेकिन बंदा थोड़ा बोर हो जाता है, और मैं इम्पोस्टर अभी तक नहीं बना हूँ। दो में क्या इम्पोस्टर बनूँगा, अभी मैं वापस खेलना शुरू करूँगा ये गेम सारे, क्योंकि बीच में मैं बहुत बिजी हो गया था, कुछ घर के काम थे, लेकिन अब जो है मैं थोड़ा बिज़ी तो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे उन चीज़ों की आदत, बिज़ी क्या फ्री तो नहीं हुआ लेकिन उन चीज़ों की मुझे आदत पड़ गई है, तो अब मैं जो है वो ये कर सकता हूँ कि उनको साथ लेकर अपनी जो हॉबी है गेम्स की वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये है कि मैं अमंग अस खेलूँगा, तो यही है बस यार, प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझो, और चैलेंज को जब आप पूरा करते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। यही है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी एक ही ज़िंदगी है, तो आप उसमें जो चाहे कर लो, ऐसा नहीं है सीन, क्योंकि जो दूसरी ज़िंदगी है आपकी आगे जो कि हमेशा रहेगी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है इस वक्त, क्योंकि जो इंसान है बेसिकली वो ये होता है कि जो अभी दिख रहा है ना उस पर बड़ा फोकस करता है, आगे का जो लोग सोचते हैं ना कि अगर अभी मैं थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा तो बाद में जो है मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उनको नॉर्मली लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं हम जैसे वो अभी का फ़ायदा सोचते हैं कि अभी क्या करना है, बाद का नहीं सोचते, क्योंकि बाद में मसला है कि बाद में मिले ना मिले, उनके जहन में ये होता है, अगर आपको ये यकीन हो कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी में रह के आखिरत की तैयारी करना, क्योंकि आपको नज़र तो आ रहा होता है, आपको यकीन भी है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फिर मुसलमान नहीं हो, अगर आपको यकीन भी है लेकिन फिर भी बंदा इसलिए नहीं करता ये सब चीज़ें, क्योंकि यार अभी की जो चीज़ें ना वो बहुत ईजी हैं, मिल जाती हैं, और वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्टी की वजह से भी लोग जो है ना पीछे हट जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा, और मैं भी इनमें शामिल हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सब कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि कम से कम अब जो बुरी आदतें हो गई हैं उनको मैं कम से कम करता हूँ, डिले कर देता हूँ कि ना करूँ, और जो और बुरी आदतें नहीं हैं उनको छोड़ देता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ख़राब व्लॉग बनाए हैं, और इससे अच्छा तो ये था, इससे अच्छा मैं ये कर लेता, और मेरा टाइम ज़ाया हो गया इसको देखने के बाद, तो मैं उसको यही बोलता हूँ भाई क्यों देखा, मैंने बोला था देखने के लिए, और दूसरा बचने का तरीका ये कि मुझे पता है कि अच्छा नहीं बना, तो मैं बोलता हूँ यार अभी मैं सीख रहा, या मेरे पास माइक नहीं, या मेरे पास जो है ना वो मैं अभी सीख रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, और तुम लोगों ने तो कुछ बनाया ही नहीं है, पर भाई आप व्लॉग बनाने के लिए आए हो तो आप खुद आए हो ना भाई, और आपने कमेंट सेक्शन अगर ऑन किया है तो खुद किया है, तो आपको कमेंट मिलेंगे, आपको बर्दाश्त करनी होंगी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी मसला कि मैं बहुत सुस्त हूँ हर काम में, तो इसको मेरे को सही करना है और उसको सॉल्व करना है, क्योंकि मुसलमान के पास वैसे भी टाइम लिमिटेड होता है दुनिया के अंदर, उसको आगे की तैयारी भी करनी होती है, इसलिए उसको चाहिए कि वो टाइम कम से कम ज़ाया करे और बहुत ही प्रोडक्टिव काम करे, और ऐसे काम करे कि जो कि चलते रहे, ताकि जो है आगे उसको काम आए, उसको मतलब मुसलमान को, यानी कि मुझे।